नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में खलबली मची हुई थी उपचुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह आपने सुना था कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लोजपा को ऑफर दी हुई है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उपचुनाव में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं पहले। जैसे ही कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री होती है तो सबसे बड़ी बात जो है निकल करके सामने आती है कि कांग्रेस भी अपना दावा छोड़ने के लिए जो है तैयार नहीं है। यानी कि पूरा मसला जो है बिहार की राजनीति अगर बात करें तो उपचुनाव के इर्द गिर्द आकर के सिमट गई थी। ऐसे में एनडीए में भी उठापटक होने के चांस दिख रहे थे, संकेत मिल रहे थे कि उपचुनाव में जिस प्रकार से इससे पहले ठीक पहले जो है जातिगत जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा और जिस और भी जो एनडीए के घटक दल है उसके बीच में आपसी सहमति नहीं थी, सामंजस्य की कमी नजर आ रही थी और ये खबरें आम हो गई थी कि सरकार गिर सकती है, नीतीश कुमार जी पाला बदल सकते हैं, अलग गठबंधन बना सकते हैं बीजेपी से हट करके। ऐसे में एनडीए का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बेहद अहम था सभी मायनों में। एक तो सरकार के भविष्य को लेकर के, सरकार के एक्सपायरी डेट को लेकर के, उपचुनाव वाले मुद्दे पर आपसी जो है आपको बता दें कि आपसी तालमेल को लेकर के और एनडीए की मजबूती को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद जो है इंपोर्टेंट था, बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसे में आपको बता दें कि आज पटना के मौर्या होटल में एनडीए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें इस बात पर मुहर लगी कि कुशेश्वर स्थान क्षेत्र जो जहां नीतीश कुमार जी देख करके भी आए थे, नीतीश कुमार जी पहले गए भी थे कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में, वहां जाकर के उन्होंने मुआयना भी किया था, तो कुशेश्वर स्थान का जो क्षेत्र है जो रिक्त हुआ था, आपको बता दें कुशेश्वर स्थान में अगर बात करें तो शशिभूषण हजारी जी विधायक रहे थे जदयू कोटे से, असमय उनकी मृत्यु हो गई थी, तो शशिभूषण हजारी जी के पुत्र को वहां पर जो है आपको बता दें कि शशिभूषण हजारी जी के पुत्र जो है उन्हें जो है वहां पे उम्मीदवार बनाया गया है चुनाव के लिए। लेकिन जदयू की ये योजना थी, जदयू ये सोच करके चल रही थी, एनडीए ये सोच करके चल रहा था कि तारापुर में भी, तारापुर वो क्षेत्र जो आपको बता दें जहां के सांसद जो है चिराग पासवान जी है जमुई क्षेत्र में है, तो तारापुर जो जो मेवालाल चौधरी जी जो विधायक थे जदयू कोटे से, उनका भी असामयिक जो निधन हो गया था, तो वहां से भी उनके ही पुत्र को जदयू बनाना चाहती थी। लेकिन उनके पुत्र मेवालाल चौधरी जी के जो पुत्र है वो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो संपर्क साधा गया था उनसे, लेकिन उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसके बाद जदयू में जो लंबे समय से साथी रहे थे जदयू के, हम बात कर रहे हैं राजीव कुमार सिंह जी, राजीव कुमार सिंह जी को जो है वहां का प्रत्याशी बना दिया गया है तारापुर क्षेत्र से। समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ रहने वाले कार्यकर्ता जो आपको बता दें कि जदयू के नेता थे राजीव कुमार सिंह जी, उन्हें जो है कैंडिडेट बनाया गया है आपको एनडीए की ओर से। इस बात की जो घोषणा जो है दो लोगों ने की, सबसे पहले अगर बात करें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी, जदयू की ओर से भी इन बातों को रखा गया, लेकिन बातें स्पष्ट है कि एनडीए वहां पर एकजुट नजर आया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई, क्या कुछ निकल करके सामने आई हम आपको अगले चरण में बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि किस प्रकार से विधिवत जो है एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की सूचना दी है। आपको बता दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है जो हम लोग के साथी विधायक शशिभूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूंकि वो विदेश में रहते हैं उन्होंने असमर्थता जताई, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहां से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रहे। जो हमें पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से
श्री राजीव कुमार सिंह जी जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं। वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी जो कि स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह NDA के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।